ये IPL बहुत ही ज्यादा रोमांचक भरा अभी तक हमें देखने को मिला। बहुत सी ऐसी चीजें इस IPL में हुई जो देखा जाए तो नामुमकिन तो नहीं कह सकते, पर पॉसिबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल था, आसान नहीं था। जैसे कि RCB का क्वालिफाई करना। फर्स्ट हाफ में RCB पॉइंट्स टेबल के बॉटम में थी, लगातार मुकाबले हार रही थी और सब ये मान चुके थे कि RCB प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। और उनका इतनी मुश्किलों के बाद क्वालिफाई करना और लगातार 6 मुकाबले जीतना कोई छोटी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अब क्या है आगे का सफर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। RCB चेन्नई के मुकाबले को खत्म हुए पूरा एक दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक फैंस की जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि RCB ने वो कर दिखाया जो करना आसान बिल्कुल भी नहीं था और एंट्री करी डायरेक्ट प्लेऑफ्स में। IPL 2024 के लीग स्टेज के मैच खत्म हो चुके हैं और अब लड़ाई होने वाली है फाइनल की, और लड़ाई शुरू भी हो चुकी है। रविवार को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाने वाला मुकाबला रद्द हो गया। दोनों ही टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया और अब हैदराबाद के खाते में 18 पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि राजस्थान के पास 17 पॉइंट्स है। और पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें सेकंड और थर्ड पर है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स पहले पर है और RCB चौथे नंबर पर है। अब आपको बता दें कि KKR और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा पहला क्वालिफायर मुकाबला। कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद दोनों आमने सामने होंगे 21 मई को अहमदाबाद के मैदान पर। वहीं राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी आमने सामने होंगे 22 मई को एलिमिनेटर के लिए। इसके बाद 24 मई को क्वालिफायर जो होगा वो चेन्नई में खेला जाएगा। ये मुकाबला क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम के बीच होगा। 26 मई को क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीमों के बीच चिपॉक के मैदान पर खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रविवार को IPL 2024 का आखिरी लीग मैच खेला जाना था, लेकिन ये मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। इस मैच का टॉस 10:30 बजे हुआ, जिससे KKR ने जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि मुकाबला शुरू होने से पहले ही बारिश की एंट्री हो गई, इसके बाद मैच रद्द हो गया। और इससे पहले दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल की थी। इस मैच में पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 215 रन बनाए और मैच को जीत लिया। इसी के साथ टीम अंक तालिका में 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं राजस्थान रॉयल्स का पहला क्वालिफायर खेलने का सपना टूट गया। अब RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला 22 मई को खेला जाएगा, उसमें जो भी टीम हारती है उनका IPL जीतने का इस साल का सपना ही रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर SRH और KKR के पास टॉप 2 में होने का एडवांटेज तो जरूर होगा। दोनों में से जो भी मुकाबला हारता है उसके पास एक और चांस होगा फाइनल में पहुंचने का, और जो भी टीम हारेगी वो मुकाबला खेलेगी एलिमिनेटर की विनर यानी RCB या फिर राजस्थान रॉयल्स, कोई भी हो सकता है। अब आने वाले कुछ दिन क्रिकेट फैंस IPL फैंस के लिए बहुत मजेदार होने वाले हैं। तो क्रिकेट से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट्स, रोमांचक खबरों के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट केसरी के साथ।